बंधुभगिनी आणि सर्व माजी नगरसेवक, उपस्थित माझ्या युवा मित्रांनो, ईदच्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देत असताना या महाराष्ट्रासाठी दादांनी काय केलं हे कोणाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. मुस्लिम समाजाविषयी दादांचा असणारा आदर, मुस्लिम समाजाचं दादांचं असणारं प्रेम हे दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी सांगण्याची आम्हाला आवश्यकता नाही. या समाजाचं दुःख घेऊन दादांनी आपला जीवनक्रम सुरू केलेला आहे आणि या जीवनक्रमामध्ये खऱ्या अर्थानं मुस्लिम बांधवांना कसा न्याय द्यायचा या दृष्टिकोनात या ठिकाणी आपण कामकाज पाहतो. मी या ठिकाणी अल्पसंख्याक सेवेचे समीर शेख यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि आपल्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सगळ्यांनी जे कष्ट घेतले, मोसिनबाई, बाकीचे इतर सर्व मान्यवर, दत्ताभाऊ, समाजामध्ये काम करत असताना सामाजिक बांधिलकी आपण जपली पाहिजे. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा. एक बात आप सब ध्यान में रखो, दादा अपने शेरदिल है, शेरदिल तो खऱ्या अर्थाने माणूस सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 2 वाजेपर्यंत आपल्या सगळ्यांची सेवा करण्याकरता, या महाराष्ट्राची सेवा करण्याकरता सातत्यानं उपलब्ध असतात. मग काही लोकांमध्ये अशी चर्चा झाली की या मीटिंग होती नाही होती, दादा तुमचे कार्यकर्ते एवढे कच्चे नाहीत, तुम्ही सांगाल तिथं पुण्यामध्ये नाही तर महाराष्ट्रामध्ये आम्ही चांगल्या पद्धतीचं आयोजन करू शकतो, ही ताकद आपले कार्यकर्ते या ठिकाणी ठेवतात. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सिद्दीकी साहेब आलेले आहेत मुंबईवरनं, खास पुणेकरांना पाहायला आलेले आहेत. आढळराव पाटील आपल्या सगळ्यांचे शिरूरचे उमेदवार या ठिकाणी आलेले आहेत आणि या सगळ्या वातावरणामध्ये मुस्लिम समाज हा पूर्णपणे दादा तुमच्या बरोबर आहे हे दाखवण्याकरता ही उपस्थिती आहे, आपण निश्चितपणे लक्षात ठेवली पाहिजे. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं महिलांची संख्या दादा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी आहे. मुस्लिम समाजाला संरक्षण देण्याची जबाबदारी दादा ही तुमची आहे असं म्हटलं तरी काही चुकीचं ठरणार नाही. मग त्यामध्ये महिला असो किंवा पुरुष असो, या महाराष्ट्रामधील मुस्लिमांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी दादा तुमची आहे. पुण्याच्या अनेक प्रश्नाच्या संदर्भात तुम्ही वारंवार मदत केलेली आहे. मग डेक्कन मस्जिदचा त्या ठिकाणी मसला असू द्यात, कसब्यातील मशिदीचा त्या ठिकाणी जो त्या संदर्भात मध्यंतरी एक वाद झाला होता तो मिटवण्याचं काम तुम्ही केलं. पण दादा तुम्ही पालकमंत्री म्हणून या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. या संपूर्ण वातावरणामध्ये अनेक मौलाना या ठिकाणी आले जे समाजाच्या युवकांना योग्य दिशा देण्याचं काम आपल्या जीवनामध्ये करतात, ते देखील तुमचं ऐकायला आलंय की या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये दादा तुमच्याकरता काय न्याय उपलब्ध करून दिलेला आहे, कोणती कोणती कामं दादांनी या ठिकाणी केलेली आहेत. म्हणजे मी सांगण्यापेक्षा ते दादांच्या मुखातून आले तर खूप चांगलं होईल. परंतु या परिसरामध्ये आज या कौसरबाग परिसरामध्ये हा मेळावा होत असताना सर्वसामान्य मुस्लिम समाज हा तुमच्या प्रभावाबरोबर आहे हे दाखवण्याकरता ही सगळी उपस्थिती आज खऱ्या अर्थाने आहे. आणि एक चांगलं काम तुम्ही जीवनामध्ये करत असताना या सगळ्याचं एक स्वप्न आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दादा तुम्ही व्हायला पाहिजे, हे स्वप्न तुम्ही भविष्यामध्ये असायला पाहिजे. ही प्रत्येक कार्यकर्त्याची आणि प्रत्येक नागरिकाची या महाराष्ट्रातली इच्छा आहे. त्यामुळे तुम्ही जे काम आपल्या आयुष्यामध्ये खऱ्या अर्थानं मुस्लिम समाजासाठी करत आहात त्या कामाला आमचा निश्चितपणाने सलाम आहे. या ठिकाणी मी अधिक या ठिकाणी बोलणार नाही, परंतु या ठिकाणची उपस्थिती, महिलांनी देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खूप मोठं योगदान दादा या ठिकाणी दिलेलं आहे, युवकांनी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये योगदान दिले. आणि हे सगळं करत असताना कोणीतरी काहीतरी वावड्या या पुढे शहरामध्ये जर उठवत असेल तर या व्यासपीठावरून त्यांना या ठिकाणी मी समज देतो की चुकीचं काम करणाऱ्याला त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं उत्तर देण्याचं काम दीपक मानकर केल्याशिवाय राहणार नाही, हे तुम्हाला आजच्या दिवसाच्या निमित्तानं सांगतो. एक चांगलं वातावरण कशा करता हिंदू मुस्लिमांचं जे सौख्याचं वातावरण या पुणे शहरामध्ये आहे
ते कोणीतरी खराब करण्याचं काम या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न जर करत असेल तर असं या ठिकाणी कुठलंही चालणार नाही. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा विचार, पुण्यातली शांतता प्रस्थापित राहिली पाहिजे, कायदा सुव्यवस्थाही चांगली राहिली पाहिजे, मग कोणतरी काहीतरी ऊर उठवणार आणि त्या ऊर्जेच्या पाठीमागं आपण पाळण्याचं काम मुस्लिम बांधव आणि भगिनींनी कधीही करू नये. एक खंबीर नेता तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये या निमित्तानं दादांच्या रूपाने मिळालेला आहे आणि अजित दादा सांगतील त्या दिशेने जर तुम्ही गेला तर तुमच्या समाजाचं कल्याण झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा शब्द तुम्हाला आजच्या दिवसाच्या निमित्तानं देतो आणि मी माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. हसन मुस्लिमजी, आपले कॅन्डिडेट शिवाजीराव आढळराव पाटीलजी, कारी इद्रिस साहबजी, इद्रिस नायकवडीजी, बाबा सिद्दीकीजी, पी ए इनामदारजी, हमारे लोकप्रिय एमएलए चेतन तुपेजी, दीपक भाऊ मानकरजी, प्रदीप देशमुखजी, राजलक्ष्मी भोसलेजी, नजीब मुल्लाजी, हाजी गफूर पठाणजी, रईस चुनकेजी, हसीना इनामदारजी, परवीन शेखजी, समीर शेखजी, नंदाताई लोणकरजी, वनराज अंधेकरजी, मोहसिन शेखजी, फारूक इनामदारजी, हजी फिरोज शेखजी, यही मैदान पे रखा और हमने आप सभी को दावत दी और आप सभी यह उपस्थित रहे, इसीलिए मैं आप सबका वेलकम करता हूँ. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा, भाइयों द्वारा आयोजित हमारा कोंडवा के इस कौसरबाग मैदान परिसर में ईद ए मिलाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पधारे हुए आप सभी भाइयों का, बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ. आप सभी को तथा महाराष्ट्र के हर जिले, हर गांव में हर जिन्होंने रोजे रखे थे, बड़े उत्साह से रमजान मनाया है, उन सभी मुस्लिम भाइयों बहनों का, मेरे युवा दोस्तों का, बड़े बुजुर्गों का, राज्य के सभी नागरिकों का इस पाक पवित्र रमजान महीने के अवसर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. रमजान के पाक महीने में रमजान के रोजे रखने से हर किसी के जीवन में खुशी आती है. आपके तथा आपके घर वालों के दिल की सभी मन्नतें पूरी होती है. जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अल्लाह ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करता है. रमजान में रोजा रखने से अल्लाह खुश होता है और सभी दुआएं कबूल करता है. ऐसा माना जाता है कि इस महीने में की गई पूजा अर्चना का फल अन्य महीनों की तुलना में 70 गुना के गुना अधिक मिलता है. आप सभी ने बड़े उत्साह में रमजान मनाया है. इसी महीने के दौरान मैंने मुस्लिम भाइयों को खुद मिलने कर फोन कर शुभकामनाएं दी है. रमजान ईद के दिन प्रसाद शिरकुरमा खाया है. आज मैं आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. मुबारक हो आपको खुदा की यही जिंदगी, खुशियों से भरी रहे आपकी यह जिंदगी, गम का साया कभी आप पर न आए, दुआ है हमारी आप सदा यूं ही मुस्कुराए. हम सभी जानते हैं कि रमजान का त्यौहार केवल मुस्लिम भाइयों का तक सीमित नहीं, रमजान के हमें सभी धर्मों का, लोगों का, विश्व कल्याण, मानव कल्याण का संदेश देता है. समाज में एकता, समता, त्याग, समर्पण, भाईचारा की भावना निर्माण करने वाला ये महीना पहचाना जाता है. आज आपने मेरे साथियों का भी जो उन्होंने कहा वो सब सुना, उसमें हमारा चेतन तुपे जी ने भी बहुत कुछ कहा, बाकी लोगों ने भी कुछ बहुत कुछ कहा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये हमारा जो चुनाव चालू है पार्लियामेंट का, उसके बारे में हमने महायुति की है, लेकिन इस महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसकी जो सेक्युलर विचारधारा है वो हमने हमारे पास रखी है. हम उसी विचारधारा से आगे जाना चाहते हैं. मैं आपको सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको पता है मैं बहुत सालों से पुणे में काम कर रहा हूँ, बहुत सालों में हमारे मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में भी काम कर रहा हूँ, अपोजिशन लीडर के नाते मैंने काम किया है.
या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते मैंने बहुत दफा काम किया है। ये सब काम करते वक्त अलग अलग एलिगेशन होते हैं, लेकिन मैंने जब अपने पॉलिटिक्स में शुरुआत की तब से मैंने शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा उसको साथ लेके हम मैं हूँ हसन मुशरफ जी हैं, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जी, हमारे छगन भुजबल जी, हमारे बाबा सिद्दीकी जी, हमारे धनंजय मुंडे जी, सभी मेरे साथी हैं। कोई रास्ते से जाना चाहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यही काम हम हमेशा करते रहेंगे। हमारे अपोजिशन वाले अलग अलग एलिगेशन हमारे ऊपर करते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा माइनॉरिटी के बारे में, ये बाकी जो भी जो लोग रहते हैं उनके बारे में अधिक सोचने की कोशिश की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस दफ़ा एकनाथ राव शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और मैं, ये जो महायुति का गवर्नमेंट हम चला रहे हैं, इस दफ़ा बजट पेश करते वक्त मैंने मौलाना आज़ाद महामंडल के लिए कभी भी, मैं भी इतने साल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, कांग्रेस के साथ मैंने काम किया, अलग अलग शिवसेना के साथ मैंने काम किया, लेकिन इतना फंड मैं कभी दे नहीं सका। लेकिन इस दफा मौलाना आज़ाद महामंडल के लिए मैंने 1000 करोड़ रुपए की संशोधि वहाँ की है। और वह उतना ही नहीं, हमारे जो वक्फ बोर्ड की लैंड के बारे में बहुत से लोगों के कुछ ना कुछ कंप्लेंट थी, उसके बारे में भी मैं, हसन मुशरफ साहब, हमारे अब्दुल सत्तार जी, हम सब बैठे और उसमें से भी रास्ता निकालने की कोशिश की कि वो अपनी लैंड हमारे पास वक्फ बोर्ड के पास ही रखनी चाहिए, उसके पास ही रहनी चाहिए, ये हमारी कोशिश उसके बारे में रही है। और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी मैंने ज़्यादा फंड्स दिए, पहले उसकी गारंटी, अगर आपने कोई मौलाना आज़ाद महामंडल से लोन लिया तो 8 साल की गारंटी थी। और बहुत हमारे युवा लोगों को तकलीफ होती थी, युवती को तकलीफ होती थी, इसीलिए वो 8 साल की जो गारंटी थी वो हमें हमने निकाली और हमेशा के लिए गारंटी दी। इसीलिए बहुत से अभी मौलाना आज़ाद महामंडल से अलग अलग लोगों को, अपने माइनॉरिटी को वहाँ फंड्स मिलना शुरू हुआ है, उसके बारे में भी मेरा पूरा ध्यान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेक्कन या मक्के शाह मस्जिद का एक मामला उठा था, उसमें मैंने मदद की, सेलिजरी पार्क में कब्रस्तान के लिए हमारे एक्स मेयर उस्मान हिरोनी, इन्होंने मुझे डिमांड की थी कि दादा वहाँ फंड्स देना चाहिए, वहाँ मैंने 2.5 करोड़ रुपए का फंड दिया। मोबिनपुरा इसमें कब्रस्तान के लिए हमारे समीर शेख, इन्होंने मेरे पास डिमांड की थी, वहाँ मैंने 1 करोड़ का फंड्स अवेलेबल करके दिया। कौसर बाग में कब्रस्तान के लिए 50 लाख का फंड्स हमने दिया। चेतन तुपे ने भी इस दफ़ा, मैंने सभी हमारे जो MLA हैं, हमारे विधायक हैं, उनको 5-5 करोड़ का माइनॉरिटी के लिए फंड्स दिया था, तो चेतन तुपे के पास भी माइनॉरिटी के लिए, कब्रस्तान के लिए या माइनॉरिटी के कोई भी काम के लिए जो फंड्स चाहिए था वो 5 करोड़ रुपए का फंड्स मैंने दिया। और पिछले दफ़ा इनको मालूम है, हमारे अनिश सुनके जी को मालूम है, अजीब फिरोज इनके वाइफ है उनको मालूम है, कपूर भाई पठान को मालूम है, रईस सुनके को मालूम है, फारूक इनामदार को मालूम है, और हमारे हसीना इनामदार जिनको हमने कॉप करके लिया था एज अ कॉरपोरेटर के नाते, तो उन्होंने हज हाउस का मुद्दा मेरे सामने उठाया था, वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं आज आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, एक दफ़ा कोड ऑफ कंडक्ट उठाने के बाद ये पूरा हज हाउस मैं पूरा ही करके दूंगा। उसके लिए जितना भी फंड लगे वो फंड मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से या कॉरपोरेशन की तरफ से अवेलेबल करके दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने ये अपने हड़पसर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें करीबन 28 नगर कॉरपोरेटर आते हैं, उसमें से मैंने 5 लोगों को, अनिश चुनगो सुनके जी, हजी फिरोज की पत्नी को, कपूर भाई पठान को, रईस
सुनकर को फारूक इनामदार को मैंने वहाँ एज ए कैंडिडेट के नाते टिकट दिया था और हसीना इनामदार को मैंने स्वीकृत करके लिया था। ऐसे ये माइनॉरिटी के लोगों को 20% उसमें से हिस्सा कैसा मैं दे सकता हूँ उसकी कोशिश मैंने की। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आगे वाले ऊना के जो भी चुनाव होंगे या कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे उसमें हर एक लोगों को, माइनॉरिटी के लोग हो या ओबीसी के लोग हो या हमारे महिलाओं हो, ये सबको एक इम्पोर्टेंट जो भी पोस्ट रहती है वो देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। ये भी मैं आपको शब्द आज आपके सामने देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सरकारी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को फिर एक बार मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।